दोस्तों आपने अपनी जिंदगी में बहुत अलग अलग तरह की वाइन्स या फिर दारू पी होगी। पी नहीं है कोई बात नहीं, नहीं पी तो सुनो तो सही आगे। तो दोस्तों कुछ ऐसे अजीबोगरीब तरीके से एक वाइन बनाई जाती है जिसका नाम है दोस्तों स्नैक वाइन। दोस्तों क्या चीज़ है ये, एक जिंदा सांप से दोस्तों एक वाइन बनती है जिसे लोग खूब चाव से पीना पसंद करते हैं। दोस्तों जिसमें सांप को जिंदा एक बर्तन में बंद करके ये शराब यानी कि वाइन बनाई जाती है। आखिरकार ये शराब बनती कैसे है और कैसे लोग इसे पीते हैं, और दोस्तों इसके अंदर कुछ अनोखी चीजें होती है जिन्हें जानकर शायद आप खुद भी हैरान हो जाओगे। ये लिए चलते हैं और आपको बताते हैं इस शराब को कहाँ पे बनाया जाता है। दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया के वियतनाम में जहरीले सांपों से वाइन बनाई जाती है। इसे स्नैक वाइन कहा जाता है और इसे बनाने के लिए सांप को काफी समय तक राइस वाइन या अल्कोहल में डुबा कर रखते हैं दोस्तों, और इसे सेहत के लिए काफी फायदेमंद भी माना जाता है। तो इस जहरीली शराब को बनाने के लिए दोस्तों जो अल्कोहल होता है उसमें सांप को रखा जाता है, जिससे क्या होता है कि दोस्तों जो सांप होता है उसका जहर खत्म हो जाता है। चलिए पूरा आखिरकार होता कैसे, सांप का जहर अल्कोहल की वजह से खत्म हो जाता है इसीलिए इंसान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। और दोस्तों इसे बनाने के लिए जहरीले जो सांप होते हैं उन्हें राइस वाइन और मेडिकल हर्ब्स के साथ कई महीनों तक एक जार के अंदर बंद करके डुबो कर रख दिया जाता है। वाइन के तैयार हो जाने के बाद इसे छोटे कप में लोग पीते हैं दोस्तों। और दोस्तों आपको बता देता हूँ इसमें क्या होता है, जब शराब में उसे रखते हैं तो जो सांप होता है वो दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद जब भूखा होता है तो वो उस शराब को पीता है और उससे क्या होता है वो उल्टी कर देता है दोस्तों, जिससे कि उसके जो भी पेट के अंदर जो भी खाना पीना किया सब बाहर आ जाता है। और दोस्तों उस तरीके से उस शराब को बनाते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ऐसी शराब पीना फ़ायदेमंद है कि नुकसान दे वो तो बताना, बाकी आपको कैसा लगता है कि आप पीना चाहेंगे। उसी के साथ आपको दूसरी एक वाइन और बता देता हूँ जो स्नैक के ब्लड से बनाई जाती है दोस्तों। अब दोस्तों ये तरीका शायद आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा भी किया जाता है, सांप के पेट को चीर कर उसका खून डायरेक्ट अल्कोहल में का जो जार होता है उसमें गिरा देते हैं और इससे दोस्तों जो है कि ब्लड स्नैक वाइन बनाई जाती है। दोस्तों इसे लोग पीते हैं ये बात भी सच है। और दोस्तों आपको पता है ये शराब कहाँ बनती है, दोस्तों चीन के अंदर इस शराब को बनाया जाता है। माना जाता है कि सबसे पहले चीन के वेस्टर्न झाऊ प्रोविंस 771 BC में इस तरह की शराब बनाई गई थी, और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के मुताबिक ये बीमार इंसान के इलाज में काफ़ी फायदेमंद मानी जाती है। अब दोस्तों फायदेमंद है कि नहीं वो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बाकी दोस्तों कि आप ऐसी शराब को पीना चाहेंगे वो भी बता दीजिएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस में आप सभी के लिए ला रहा हूँ, तब तक के लिए इस वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, टिल देन बाय।